Assalamu alaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please don't forget to subscribe my channel. Dear viewers and students, today I'm gonna introduce the course outline of English Literature 1, Poetry and Drama. This course is designed for BS English students of Master 1.

मास्टर का मिड टर्म एग्जाम होगा वो थर्टी परसेंट काउंट होगा जो फाइनल टर्म एग्जाम होगा वो सिक्सटी परसेंट काउंट होगा और टेन परसेंट जो है वो आपके सेशनल मार्क्स होंगे तो बेटा जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो फाइनल टर्म एग्जाम भी कुछ इसी तरह से होगा कि उसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और जहां तक सैशनल मार्क्स का तैलुक है एज फर एज सैशनल मार्क्स आर कंसर्न तो उनका जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से होगा कि आपकी अटेंडेंस काउंट होगी उसके बाद आपकी जो क्विज में पार्टिसिपेशन है जो क्लासरूम क्विजेज टीचर की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उनमें आपकी पर्टिसिपेशन भी काउंट होगी उसके बाद जो असाइनमेंट्स आपको असाइन की जाएंगी वो भी काउंट होंगी कि आपने उन पर कितना काम किया है, कितना बेहतर काम किया उसके बाद जो क्लासरूम प्रेजेंटेशंस हैं वो भी काउंट होंगी कि आपको जो है क्लासरूम में मटेरियल प्रेजेंट करना होगा या किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना होगा तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे ही आपको सेशनल मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे तो इसलिए आपने खासी जो है वो कोशिश करनी है और मेहनत करनी है लेट्स गो टू कोर्स दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर वन पोइट्री एंड ड्रामा बेटा ये मास्टर वन का कोर्स है ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा कोर्स कोर्स जो है वो है वन जीरो थ्री और ये बी एस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं तो मैं सारा पढ़ने की बजाय आपको ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो समझाए देता हूँ तो बेटा ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपको ये बताने के लिए कि लिटरेचर या अदब जो है वो क्या है तो हम पहले पढ़ेंगे कि अदब क्या है उसकी तारीफ़ करेंगे उसके जो मुख्तफ पहलू हैं वो देखेंगे उन पर नज़र डालेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे पोइट्री और ड्रामे की तरफ अदब की डिफरेंट जो हैं उर्दू में उन्हें असनाफ़ कहा जाता कि अदब की बहुत सारी असनाफ़ हैं रफली स्पीकिंग आप उन्हें काइंड्स भी कह सकते हैं तो जो दो बड़ी राज़ हैं उनमें से एक है पोइट्री और एक है ड्रामा तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि पोइट्री क्या है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं और उसकी डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं इसी तरह से हम ड्रामे के बारे में पढ़ेंगे पहले हम यही पढ़ेंगे कि वट्स ड्रामा कि ड्रामा है क्या वट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ड्रामे के अनासर कौन कौन से हैं तीसरा हम पढ़ेंगे वट आर द काइंड ऑफ़ ड्रामा के ड्रामे की अकसाम कौन कौन सी हैं तो बुनियादी जो है इसका मकसद यही है कि हमें अदब से रूश कराना कि अदब है क्या उससे डिफ़ाइन करना उसके बाद शायरी से रूश कराना कि शायरी क्या है उसके एलिमेंट्स क्या हैं और फिर ड्रामे से रूश कराना कि ड्रामा क्या है कौन से एलिमेंट्स हैं ड्रामे के उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टेक्स्ट हैं जो हमें पढ़ना पड़ेंगी कि इसमें कुछ जो है टेक्चुअल स्टडी होगी कि कुछ सिलेक्टेड पोइम्स हैं और कुछ सिलेक्टेड प्लेस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे तो पोइट्री में सोनेट जो है सोनेट जो है एक नज़्म है जो फोटीन लाइन्स पर मुश्तमिल होती है और ये डीपली पर्सनल पोइम है कि पोइट क्या है जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो यहाँ पे दो सोनेट्स आपके कोर्स में शामिल हैं मल्टन जॉन मल्टन ये पोइट का नेम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये उसकी एक नजम है रॉबर्ट फ्रास्ट ये पोइट का नेम है द सिल्कन टेंट ये इसकी पॉइम है जो आपके कोर्स में शामिल है उसके बाद हम सॉन्ग की तरफ आ जाते हैं तो इसमें पहली राइटर है क्रिस्टीना रोजेटी और इसकी पॉइम का नाम है वेन आई एम डेड माई डियरेस्ट उसके बाद जॉन डेन की पोइम या सॉन्ग जो है वो शामिल है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है कि जिसमें जो है मोनोलॉग कहते हैं ना डायलॉग कहते हैं जब दो लोग बोल रहे हो तो मोनोलॉग जब एक ही बंदा बोल रहा होता है कि एक ही स्पीकर होता है सिर्फ आप उसकी आवाज़ सुन रहे होता और जो लिसनर है वो खामोश बैठा होता तो इसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं तो इसमें हम रॉबर्ट ब्राउनिंग जो एक फेमस विक्टोरियन पोइट है और सबसे अच्छा राइटर है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का उसकी पढ़ेंगे मा लास्ट डचेस और अल्फ्रेड टेनिसन उसकी हम पढ़ेंगे यूलेसीस उसके बाद एलेजी है एलेजी कहते हैं मॉर्निंग सॉन्ग को ये जो मर्सिया होता है तो इसमें हम टॉमस ग्रे की नज्म पढ़ेंगे एंड एलेजी रिटर्न इन द कंट्री चर्च जॉर्ज और दूसरा डैलन थॉमस की अ रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ अ चाइल्ड उसके बाद हम बैलेट्स की तरफ आ जाएंगे बालेट्स के हैं ये आमतौर पे फोक टेल्स पे जो लिखी गई नज्म है उन्हें बालेट्स कहा जाता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करता जा रहा हूँ फिर इसे प्रॉपरली हम अगले लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे जॉन कीट्स बहुत मशहूर रोमांटिक पोइट है इसकी नज्म का नाम है ला बल देम सा मर्सी अ ब्यूटिफुल वूमन विदाउट मर्सी उसके बाद डब्ल्यू एच ऑर्डन ये एक मॉडर्न पोइट है ब्रिटिश इसकी है वट इज़ दैट साउंड उसके बाद हम ओड्स की तरफ आ जाते हैं ओड्स होती हैं कि जिनना आप किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस करते हैं जैसे हम कहते हैं ओड टू द स्काई दिंदे के परिंदे के नाम लिखी गई नज्म हम कहते हैं ओड टू द वेस्ट वेंड मगरबी हवा के नाम लिखी गई नज्म ऐसे और बहुत सारी तो यहाँ पे पर्सी बिसी शैली एक मशहूर रोमांटिक पॉइंट है इसकी पोइम या ओड का नाम है ओड टू द वेस्ट वेंड जॉन कीट्स की भी शामिल है ओट टू ऑटम के मौसम ख़जा के नाम लिखी गई नस्म उसके बाद हम फ्री वर्ड की तरफ आते हैं फ्री वर्ड क्या होता है कि जिसमें किसी कायदे या कानून की पाबंदी नहीं की जाती उसे फ्री वर्ड्स कहते हैं कि वैसे शायरी के अंदर भी जो हैं कुछ कवायद वसूल हैं हैं कि जो शायरी लिखते हुए उनकी पैरवी की जाती है मगर फ़्री वर्ड्स क्या है वो इन कन्वेन्शन्स को ब्रेक करती और जैसे आप लिखना चाहते हैं आप लिख डालते हैं वलीम कार्लूस वलीम्स जैसे आपने पढ़ रखा होगा अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में यूज़ अफ फोर्स जो है इसकी एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो शामिल थी तो यहाँ पे आप उसकी एक पॉइंट पढ़ेंगे रेड व्हील बैरो उसके बाद आपेक आपेक जो है ये भी काइंड है पोइटरी की कि ऐसी शायरी जो लॉन्ग नरेटिव पॉइंट होती है कि इसमें कुछ वाकयात का बयान होता है और ये नज़म क्या है वो खासी तवील होती है उसे हम आपेक कहते हैं उर्दू में इसे रज़मिया नज्म कहा जाता है तो पूरी एपिक तो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी चंद लाइंस जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट जो सबसे मशहूर एपिक है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उसकी चंद लाइंस हम पढ़ेंगे और इसी तरह से अलेक्जेंडर पोप उसकी एपिक, एपिक ये एपिक मॉक एपिक कहलाती है क्योंकि ये ह्यूमरस है और बल्कि उसने एपिक के कन्वेंशनस की पैरोडी की, की है कि उनका मजाक उड़ाने की यह नकल करने की कोशिश की है तो रेप ऑफ द लॉक ये भी आपके कोर्स में शामिल है लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इसमें बेटा कुछ रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सजेस्ट की गई है, हैं ये फॉरेन आथर्स की बुक्स हैं मुझे तो कुछ लेना चाहें तो आप ले लें मगर ये इतनी आसानी से दस्तियाब नहीं होंगी द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री दूसरी है अ शॉर्ट गाइड टू राइटिंग अबाउट लिटरेचर द एनाटमी ऑफ पोएट्री एंड इंट्रोडक्शन टू पोइट्री उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रामे की तरफ तो बेटा आपके कोर्स में तीन ड्रामा शामिल हैं एक सोफा क्लीज का प्ले है सोफ़ा क्लीज के बारे में आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ सकते हैं एंशियंट लिटरेचर के नाम से मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है इडीप सैक्स ये उसका प्ले है जो हम पढ़ेंगे दूसरा है एंटन ची खॉफ ये एक रशियन ड्रामाटिस्ट था शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था द बियर ये एक फार्सिकल प्ले है फनी एंड ह्यूमरस के बहुत मजाया ड्रामा है ये हम पढ़ेंगे लेडी ग्रिगरी एक आयरिश जो है ड्रामाटिस्ट थी इसका हम पढ़ेंगे द राइजिंग ऑफ द मून ये भी एक शॉर्ट सा ही प्ले है वन एक प्ले है इसे हमने तो पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में यही शामिल होता था अगर चाहे आपके वक्त कोर्स तब्दील हो गया और आपने तो ये प्लेस पढ़े हैं ना हिट लाइटनिंग और ऑस्टर इन द पर्ल और विजिट टू तो अ स्मॉल प्लैनेट मगर हमने यही पढ़ा था द राइजिंग ऑफ द मून और साथ में हमने और भी पढ़े थे ऑन द रोड और डेयर डिपोर्टेड उस वक्त भी तीन ही प्लेस शामिल थे मगर ये प्ले उस वक्त शामिल था विस आगे बेटा रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं द कैमरेज कंपानियन टू एडवर्ड एल उसके बाद है एंटन ची हॉफ द क्रूसेडर फॉर अ बेटर वर्ल्ड उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न वन ए प्लेस उसके बाद है लेडी ग्रिगरी अ रिव्यू ऑफ द क्रिटिसिज्म उसके बाद है लुइस इंड रेने लॉरेंस द कैमरिज हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म मॉडर्निज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म ठीक है उसके बाद द कैमरिज कंपानियन टू यूजीन ओनील कि ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं मगर ये फॉरेन बुक्स हैं इसलिए इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं आएंगी तो इस पर जो कुछ मटेरियल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा तो इसलिए आपने घबराना नहीं है तो आपने क्या करना है मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनना है और इन ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हेल्पिंग मटेरियल भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जल्द अज जल्द मैं प्रोवाइड कर दूँ आई एम लुकिंग फॉर थैंक्स एंड होप आई विल बी एबल टू डू इट फॉर यू ठीक थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी Allah Hafiz, stay safe, stay blessed.